बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीएफ म्यूज़ियम में आए हैं और उसका हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखें, बहुत खूबसूरत जगह है। ये देखें, यहाँ पे ये जहाज़ खड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान के तारीख को दिखा रहे हैं कि हमारे पास हिस्ट्री में कौन कौन से जहाज़ रह चुके हैं। और यहाँ पर बहुत सारा आवाम है, अभी हम आपको डिटेल में भी दिखाएँगे हर जहाज़ का पिक्चर वगैरह। तो इंशाल्लाह ताला आप देखते हैं, हम भी घूमते हैं और आपके लिए वीडियो भी बना सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर है, ये देखें। ये जहाज़ जो है इसके बारे में भी हम आपको दिखाते हैं कि ये कौन सा जहाज है। ये F6 MiG-19 है, बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं, ये डिटेल है। ये जो आप जहाज़ देख रहे हैं, इसका यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल कि ये कौन सा जहाज़ है। T-33 जहाज़ है, T-33 जिसे आम जबान में T-3 कहते हैं, दूसरी नशिस्त वाला अमरीकी साख्ता तरबियती फाइटर लड़ाका है। इस जहाज़ ने अपनी पहली उड़ान 1950 में भरी थी। चलो मज़ीद आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। जहाज देखें, इसका भी हम डिटेल आपको दिखा दें। ये पीएफ म्यूज़ियम में बहुत आलीशान जहाज़ पड़े हुए हैं, क्योंकि नुमाइश के लिए रखे हुए हैं। पुराने ज़माने के जहाज़ हैं। ये मेराज जहाज़ है, ये देखें मेराज जहाज़। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के बहुत उम्दा जहाज़ है पीएफ में। अगर आप घूम सकते हैं यहाँ पे, फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ अलो होता है। जैसे अभी हम आप कर रहे हैं, आप भी करते हैं। ज़बरदस्त, अभी ये एक और जहाज़ है 121, इसके ऊपर नंबर लगा हुआ है, लेकिन इसको देखते हैं ये कौन सा जहाज़ है। A-53 फाइटर जेट है ये। A-53 चीनी साख्ता जहाज़ है, जिसमें एक सीट और दो इंजन नस्ब होते हैं। ये देखें, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पास बहुत अच्छे जहाज़ थे, जो कि इन लोगों ने अब म्यूज़ियम में रख दिए। वहाँ पे भी हम आपको जहाज़ दिखा के आए थे और मेराज था ये। अब A-53 है, देख सकते हैं। ये आप देख लें, ये ब्लैक एरो मिज़ाइल है, इसका डिटेल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ब्लैक एरो मिज़ाइल ज़मीन से फिजाए मार करने वाला मिज़ाइल है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स में 1983 में शामिल किया था। बुनियादी तौर पर ये चीनी साख्ता मिज़ाइल है। ये B-57 जहाज़ है, इसका डिटेल ये सामने आप देख सकते हैं। ये इसे अमरीकी साख्ता जहाज़ है, क्योंकि बरतानवी बम्बार केबरा के डिज़ाइन की नकल है। इस जहाज़ ने अपनी परवाज 1953 में की। ये देखें, ये जहाज़ BR-1150 1150 है, BR-1150। ये भी बहुत उम्दा जहाज़ है, बहुत बड़ी जहाज़ है ये। इसका भी डिटेल लिखा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या डिटेल। ये डिटेल लिखा हुआ है इसका BR-1150। ये जहाज़ डोगलास है, डोगलास A-26 इन्वेडर है। इसका डिटेल भी आप देख सकते हैं, ये डिटेल है इसका, इसको पास करके आप देख सकते हैं। मज़ीद हम इसको ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं लंबा करके। डोगलास A-56 इन्वेडर।
ये मशाक 17 जहाज़ है, ये देखें ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है पुराने ज़माने। ये जो आप जहाज़ देख रहे हैं ये MiG-15 है, ये देखें MiG-15, ये इसका डिटेल है। बहुत उम्दा आलीशान जहाज पड़े हुए, ये देखें ये हम आपको बहुत सारे दिखा के भी आए हैं लेकिन फिर भी आप देख लें। ये आप देख रहे हैं ये करूताल वीपन सिस्टम है, करूताल वीपन सिस्टम का टैंक है जहाँ से करूताल वीपन सिस्टम फायर होता है। ये मुख्तलिफ वीपन्स हैं, छोटे छोटे मिसाइल्स हैं किस्म के, समझें आप। ये भी पाकिस्तान म्यूज़ियम में बहुत अलग किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम देख देख के हैरान हो रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अलग किस्म के वीपन, जहाज सब कुछ हैं, टैंक। ये भी करूताल वीपन सिस्टम का टैंक है। ये सामने रेडार है, ये रेडार देख रहे हैं आप। ये कंडोर रेडार सिस्टम है जो गाड़ी के ऊपर नस्ब होता है और जहाँ भी इसको ले जाएं लेके जा सकता है। ये देखें ये गाड़ी के ऊपर रेडार फिट है, इसी बड़ी गाड़ी के साथ लगा के आगे से ले जाया जा सकता है। उस तरफ आप देख सकते हैं ये रेडार सिस्टम है बहुत आला किस्म की। ये जो आप देख रहे हैं जहाज़ ये MiG-21 है, इसका डिटेल भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये MiG-21 ये एक अफ़गान एयरफोर्स का MiG-21 जहाज़ है जो 1989 के अफ़गान नाजिक वक्त में उसके पायलट ने इसे पेशावर में उतारा और खुद सियासी पनाह ले ली। ये जो आप एक बहुत बड़ा आलीशान जहाज़ देख रहे हैं ये AN-12 है, जिसका हम आपको डिटेल दिखाने जा रहे हैं कि इसका क्या डिटेल, ये इसका डिटेल है, आप इसको ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, हमने आपको वीडियो में दिखा दिया है। ये कहते हैं AN-12 जिसका नेटो रिपोर्टिंग नाम कब CUB था। ये आर्टुकट्स में बनाया गया, इसमें अपनी इब्तदाई परवाज़ 16 दिसंबर 1956 मिली। ये रूस का बना हुआ दरमियानी फासले के लिए छाता बरदार फौज और कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला जहाज़ था, जिसमें 4000 EMH NK4 टर्बो प्रोसेस इंजन लगा हुआ था। ये कुल तादाद में 1243 जहाज़ बनाए गए फौजी और नौ फौजी इस्तेमाल के लिए। इस जहाज़ का मतलब अफगानिस्तान की जंग के दौरान अपने मुल्क को खैराबाद करके पेशावर के हवाई अड्डे पर जहाज़ को उतारा।